नमस्कार साथियों, आज भी जिस गाने का पैच मैंने बनाया है वो भी अपने पंचमदा का ही कंपोज किया हुआ गाना है, जिसे लता जी ने गाया है। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। ये जो गाना है ये ट्रिपलेट बीट का गाना है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस टाइप का इसका मेट्रोनोम है। या तो आप ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3, या फिर 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a। तो मैं जो काउंट करता हूँ वो मैं ऐसे काउंट करता हूँ, ये ट्रिपलेट जो है मैं इस टाइप से काउंट करता हूँ, 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a। इस गाने में जो मुझे समझ में आया है वो दो ही मुख्य पैटर्न बजे हैं, एक स्थाई में दूसरा अंतरे में। इसके अलावा अरेंजमेंट्स में 1 और 3 तो ठीक है, लेकिन इंटरल्यूड 2 में जरा ट्रिकी पैटर्न बजा है, तो वो आप सुन के तैयार कीजिएगा। आइए अपन पहले प्रैक्टिस करते हैं वो पैटर्न जो कि स्थाई में बजा हुआ, स्थाई में बजने वाला पैटर्न अपन प्रैक्टिस करते हैं, स्थाई में बजने वाला पैटर्न। ये पैटर्न स्थाई में बजा हुआ है। आइए अब अपन वो पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं जो कि अंतरे में बजा है, अंतरे में जो पैटर्न बजा है अब अपन वो प्रैक्टिस करते हैं। आइए 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a। थोड़ा सा और कम टेम्पो में, अंतरों में बजा हुआ है। इन दो पैटर्न्स के अलावा कुछ पिकअप्स भी बजे हैं। एक जो पिकअप बजा है वो मादल पे बजा है, जो कि स्थाई की क्रॉस लाइंस में अक्सर बजेगा। ये जो पिकअप है ये स्थाई की क्रॉस लाइन में बजेगा, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। इसके अलावा एक आध पिकअप और है, बड़े साधारण से पिकअप है, जो कि स्नेयर पे और मैंने टॉम पे बजाए हैं, वो बेसिकली तुम्बे पर बजने वाला पिकअप है, कुछ इस तरीके से। जब आप ओरिजिनल गाना सुनेंगे तो इन सब पिकअप्स की प्लेसिंग आपको समझ में आ जाएगी। आइए अब ये देख लीजिए कि इस साधारण से पैच को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से टोन्स का उपयोग किया है, और उनकी पिच भी देख लीजिए क्या मैंने उनकी पिच रखा हुआ है। फिर अपन इसको ओरिजिनल गाने के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मैंने ये जैसा कि मैंने साधारण सा पैच बनाया है शायद आप लोग के काम आए। आइए अब अपन प्रैक्टिस करते हैं इसे ओरिजिनल गाने के साथ।
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. थैंक यू.